दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे एफडी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम सभी सेविंग्स अकाउंट में तो पैसा रखते हैं और पैसे की मान लीजिए आप 6 महीने या 10 दिन या 1 महीने 2 महीने के लिए रखते हैं, लेकिन सेविंग्स में जो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो दोस्तों हम सभी पेटीएम यूज़ करते हैं, तो पेटीएम में कैसे एफडी करेंगे और उसमें इंटरेस्ट रेट क्या क्या है और उसमें बेनिफिट क्या क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पेटीएम में एफडी करने के लिए आपको पेटीएम का एक अकाउंट होना चाहिए, उसमें केवाईसी वगैरह हो तो आपका सेविंग्स अकाउंट वो खुल जाता है पेटीएम में। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको 5.5% ठीक है एनुअल जो है एक साल का आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों पेटीएम में आप एफडी करेंगे तो आप मान लीजिए 10 दिन रखेंगे उस पैसे का, अगर तो उसमें जितना परसेंट है मान लीजिए 1% हुआ और उसमें से 10 रुपये आपने इंटरेस्ट मिला आपको, तो 10 रुपये आपको आप चाहे तो 1 महीने के अंदर ही आपको मान लीजिए वो पैसा आपने निकाल लिया 10 दिन के बाद, तो इंटरेस्ट जितना भी हुआ था वो आपको सब मिल जाएगा, ए प्लस पॉइंट है। और आप मान लीजिए 1 साल के लिए एफडी कर सकते पेटीएम में, तो 1 साल के पहले ही आपने मान लीजिए एफडी ब्रेक कर दिया, तो आदर्श बैंकों में क्या होता है या पोस्ट ऑफिस में उसमें चार्ज लग जाते हैं, लेकिन इस केस में दोस्तों कोई भी चार्जेस नहीं लगते। आप मान लीजिए आज ही एफडी के आज ही एफडी तोड़ दिया तो भी कोई चार्जेस नहीं लगता है एफडी में। तो मान लीजिए आपका सेविंग्स में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है आप एफडी में रख सकते हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाते हैं और आप जब चाहे वहां से खर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ ये ऑप्शन दे रहा है पेटीएम। तो पेटीएम में एफडी कैसे करेंगे और एफडी को कैसे रेडी मैनी तोड़ेंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पहले दिखा देता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पेटीएम में एफडी करने के लिए दोस्तों आपको पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है और पेमेंट्स बैंक में आपको लॉग इन करना होगा। तो ऐप पर मैं लॉग इन कर लिया हूं पेमेंट्स बैंक पर पासवर्ड डाल के। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सेविंग्स अकाउंट है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत यहाँ पर एफडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर आप क्रिएट एफडी करेंगे तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है 1 साल का। ठीक है, तो मान लीजिए आप 10,000 रुपया एफडी करते हैं। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट टेबल अगर देखेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको कि अब अगर 7 डेज इसको रखते हैं 10,000 रुपया का तो आपको 5 रुपये देगा। ठीक है, और आप उससे 1 महीने रखते हैं तो 23 रुपीज़। ठीक है, ऐसे करके आप 1 साल रखते हैं तो 547 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप मान लीजिए 7 दिन या 15 दिन या 1 महीने रखते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्रिएट एफडी करके आपको एक एफडी क्रिएट करके दिखाते हैं। तो हमारा सेविंग्स अकाउंट में 280 रुपया है और इसको हम जो है अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पर हम जो है इसको एफडी क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ही सेकंड में हमारा एक एफडी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एफडी जो है क्रिएट हो चुका है। आप बैक टू बैंक करेंगे और यहाँ पर जो है वो अमाउंट ऐड हो गए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एफडी से आप कैसे पैसा सेविंग्स में निकालेंगे वो भी हम इसी वीडियो में दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से मैंने एक एफडी किए थे, आप यहाँ पर 37 डेज रखे हैं, यहाँ पर आप अगर रिडीम करते हैं तो इसका इंटरेस्ट जो 21 रुपीज़ वो मिल जाएगा और कोई भी चार्ज नहीं कटते हैं। पहले आपने ब्रेक कर लिया इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगते है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है पेटीएम एफडी का। तो दोस्तों चलिए एफडी कैसे रिडीम करते हैं यानी तोड़ते हैं वो देख लेते हैं। तो रिडीम एफडी आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी एफडी को तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर रिडीम फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पासकोड है वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हमारा एफडी ऑटोमेटिकली ये रिडीम हो जाएगा। ओके, तो हमारा एफडी जो है सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। मैं आपको इंस्टेंट दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लीजिए आप, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एफडी जो है यहाँ पर रिडीम हो गया है। तो इसी तरीके से आप, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट से रखने से अच्छा एफडी में रखना अच्छा होता है। ठीक है, पेटीएम में खास करके यहाँ पर बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।